आप कौन सा हॉस्पिटल में खड़े हो? बाबा हॉस्पिटल कुरला। ये किधर पड़ता है? कुरला वेस्ट। कुरला वेस्ट में। हाँ, क्या समस्या है आपकी? समस्या में हमारा बॉडी 5:30 बजे हम लोग का पेशेंट का डेथ हो गया है। अभी तक हम लोग बॉडी के लिए वेट कर रहे हैं। पुलिस पंचनामा वगैरह सब कुछ हो गया। लेकिन आपका पेशेंट नॉर्मल था या सीरियस था? कभी लाया था? एक्चुअल सुबह तक पेशेंट हमारा नॉर्मल था। 27 को हम लोग शाम को एडमिट किया है। 27 को हम लोग मेरे ख्याल से 4-5 बजे कुछ स्वैब टेस्ट किया है। अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं मिला हम लोग को। रिपोर्ट अगर दूसरे हॉस्पिटल में जाता है तो पहला रिपोर्ट मांगते हैं। तो मीन्स आपको प्रॉब्लम क्या बताया था डॉक्टर ने कि आपके पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, यानी किस चीज की बीमारी है? सर्दी है, खांसी है या कुछ कोरोना है? निमोनिया बोला था। अच्छा, मगर क्या मालूम है, यहाँ पे कोविड का टेस्ट किया, उसका रिपोर्ट ही अभी तक नहीं मिला। अभी कितना हो गया? 60 घंटे के ऊपर हो गया। बता ही नहीं रहे वो। 60 घंटे के ऊपर हो गया। 27 को शाम को हम लोग 5 बजे टेस्ट किया है और पेशेंट ऑफ हो गया। रिपोर्ट नहीं आया, पेशेंट ऑफ हो गया। क्या करने का? अभी दूसरा हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते भी थे, मगर वो पहला रिपोर्ट मांगते हैं। हाँ, तो आपका रिपोर्ट रहेगा तो ही डॉक्टर चेक करेगा ना। बिना रिपोर्ट के तो डॉक्टर चेक नहीं करेगा। जब आपका इधर रिपोर्ट हो गया तो मीन्स आपको इतना घंटा हो गया तो आपका रिपोर्ट आपको क्यों नहीं मिला? किधर करवाया आपने? प्राइवेट से करवाया? यहाँ पे इनका जो सिस्टम है यहाँ पे ही किया। तो कौन से डॉक्टर साहब थे वो जो आपका रिपोर्ट करवाया और आपको नहीं मिला? वो डॉक्टर का पता नहीं है, मगर इनका जो सिस्टम है वो सिस्टम में से हम लोग अभी इंक्वायरी कर रहे हैं कि रिपोर्ट क्या है। हम कब से जब? लेकिन मीन्स आप अभी मीडिया के सामने खड़े हो और आप मीडिया से क्या मदद चाहते हो, यानी मीडिया आपको क्या मदद? से क्या मालूम है, आजकल ये जो हालत चल रहे है ना, बहुत बुरा हाल है। हम लोग का ही नहीं है, हम लोग का नहीं, बाकी और पेशेंट का भी सब हाल। जहाँ पे नॉर्मल पेशेंट है, बीपी वाले हैं, उन लोग को अलग से रखो। बट नहीं, तुम्हारे पास कुछ कोर्ट की व्यवस्था नहीं है तो तुम उन लोग को सेफ्टी में रखो, ताकि सामने वालों को भी दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमने जैसे 4 पेशेंट शिफ्ट किए थे, उनके वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा खासा इंसान बात कर रहा है, बात करके भी चल रहा है। सवेरे उठा, टिफिन लिया, आधे घंटे में मैं 15 मिनट के आने में, आधा घंटे में मैं घर पे गई। घर पे से जाके आई तो डॉक्टर ने तुरंत बोले कि तुम्हारा पेशेंट इतना सीरियस हो गया। हम 3 दिन से मांग रहे कि हमें रिपोर्ट दो, हमारा पेशेंट को क्या प्रॉब्लम। आपको किसने कॉल किया था? डॉक्टर ने ही कॉल किया। सब जितने मेरे, आप जब गए थे आपका पेशेंट नॉर्मल था? सब नॉर्मल था। मैं जब गई थी, बातचीत की, हमने कांटेक्ट पे बात की, पापा बोले मेरे सही सलामत है, मेरे को घर पे आने का करके। और आधे डेढ़ घंटे के अंदर ही उनका ऐसा हो गया कि बोल रहे कि बेटा मेरे को खाने को भी नहीं जा रहा है, ना मेरे को हिलने को हो रहा है। बाथरूम में डाल के बैठे तो भी बाथरूम में वो गिर गए, चक्कर आई थी उनको, उधर जाके कोई इन्फेक्शन ही नहीं, वहाँ पे सब इन्फेक्शन था, वहाँ पे कोई केयर ही नहीं कर रहे पेशेंट की, ताकि इंसान ऐसे से हो जाएगी उसको साइड में करो, वो भी नहीं, कोई केयर नहीं हो रहा, कोई केयर नहीं हो रहा यहाँ पे। और पेशेंट, दूसरी बात क्या मालूम है सिस्टर, कि पेशेंट क्या हो रहा है कि एक कॉट पे एक पेशेंट है, दूसरे कॉट पे दूसरा पेशेंट है, बाजू के कॉट का डेथ होता है, उधर ही पड़े रहता है। तो बाजू का पेशेंट कोरोना है नहीं वो तो बात अलग ही है, मगर वो डर के मारे, यानी कि इंसान दहशत से मर जाता है। दहशत से ही मर जाता है। अभी इसमें 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 आज के डेट में देखेगा ना, 50% दहशत से ही मौत हो रही है। यानी कि आपका बोलना ये है कि दहशत से इंसान मर जा रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ी सुविधा करनी चाहिए और सब पेशेंटों को अलग रखना चाहिए। कुछ व्यवस्था नहीं, गवर्नमेंट को इस बात पे एक्शन लेना चाहिए। अभी अभी इधर का अभी लिफ्ट बंद है, 2 लिफ्ट है, मगर दूसरे लिफ्ट से भी नीचे ये नहीं ला रहे, बॉडी नहीं ला रहे। मैं 3 दिन से तो वो कोरोना का बॉडी होगा शायद, वो लोग सेफ्टी के लिए नहीं ला रहा। डॉक्टर क्या बोले हम लोग की अगर लिफ्ट हो जाएगी तो ये बॉडी नीचे लेके जा सकते। तो कोरोना का पेशेंट है तो तुम हमें रिपोर्ट दे दो ना, रिपोर्ट ही नहीं दे रहे। 3 दिन से हम लोग रिपोर्ट के पीछे पड़े, इनका भी बेटा पड़ा है, मैं भी पड़ी हूँ। ऐसे लड़का है क्या? नहीं, लड़का नहीं। अच्छा, अभी आपके डैडी ऑफ हो गए? मेरे डैडी ऑफ हो गए। और आपके भाई है? इनका भाई ऑफ हो गए। यानी आपको प्रेस से क्या मदद चाहिए?
रेत से क्या, हम लोग का जो हो गया है हो गया है, आगे दूसरा किसके ऊपर, दूसरे के लिए चाहिए, दूसरे के लिए चाहिए, हम लोग का जो हो गया उसमें अभी कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, झगड़ा करके भी कुछ फायदा नहीं है, आगे दूसरे लोगों को कुछ राहत मिले हमारे साथ हो या दूसरे के नहीं होना चाहिए, हम लोग का जो हो गया हो गया, उसमें कुछ हम लोग ने कुछ करने चाहिए। ठीक है, जय हिंद जय महाराष्ट्र। मैं आगे आपके लिए कोशिश करूंगी और सरकार से यही उम्मीद चाहती हूँ कि आप लोगों की समस्याओं को हल किया जाए।